लखनऊ की एक बड़ी खबर के साथ, सपा ने कल सभी विधायकों को लखनऊ बुलाया है। कल लखनऊ पहुंचेंगे सपा के सभी विधायक। राज्यसभा चुनाव में सपा को टूट का डर सता रहा है। 27 फरवरी को होना है राज्यसभा चुनाव, 10 राज्यसभा सीट के लिए होगी वोटिंग। सपा भी बना रही सेंधमारी की रणनीति, बीजेपी के सहयोगी दलों में कर सकती है सेंधमारी। तो अपनी सभी विधायकों को कल बुलाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। टूट का डर जो है वो समाजवादी पार्टी को सता रहा है और 10 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होना है। अपने अपने प्रत्याशी जो हैं दोनों ही तरफ से घोषित कर दिए गए हैं और अब सपा भी सेंधमारी की तैयारी बना रही है, ऐसी भी जानकारी है। 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव होना है और उससे पहले टूट का डर सपा को सता रहा है और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने कल लखनऊ अपने सभी विधायकों को बुला लिया है। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। विवेक, डर सताने लगा है, कुछ सीटें तो पक्की हैं बीजेपी की, लेकिन बाकी जो कैंडिडेट उतारे गए समाजवादी पार्टी की तरफ से उसमें भी कहीं सेंधमारी ना हो जाए, सभी विधायकों को लखनऊ बुलाया जा रहा है। बिल्कुल शिल्पा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, 27 को मतदान होना है और उसी दिन परिणाम भी आना है। समाजवादी पार्टी के पास तीन कैंडिडेट हैं, तीनों जो रामजीलाल सुमन हैं, जया बच्चन हैं, आलोक रंजन हैं, मुख्य सचिव रहे हैं आलोक रंजन, तो तीनों को जिताने की कोशिशें हो रही हैं। और दो प्रत्याशी जिताने के लिए तो वोट है, लेकिन तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए वोटों की कमी पड़ रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने सभी विधायकों को तो तोड़ने से बचा ही रही है, दूसरी तरफ जो भाजपा के सहयोगी दल हैं उसमें भी सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। जो सहयोगी दल हैं, निषाद पार्टी हो, डॉक्टर अजय निषाद की अपना दल सोनेलाल की पार्टी है, सुभाषपा है, राष्ट्रीय लोकदल है, राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी है, ये पांच ऐसी पार्टियां हैं जिसमें समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है कि इनके विधायकों को अपनी तरफ लाया जाए। चूंकि चाहे निषाद पार्टी हो या भाजपा हो या लोकदल हो, राष्ट्रीय लोकदल, तीनों में ही जो विधायक हैं वो कभी ना कभी समाजवादी पार्टी से या अखिलेश यादव से जुड़े रहे हैं। ऐसे में जो अखिलेश के करीबी विधायक हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े पदाधिकारियों को इस काम में लगाया गया है। लगातार अभी बीते दिनों हमने देखा कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने राजा भैया से मुलाकात की थी और उनके दो विधायक हैं, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी है उनकी दो विधायक हैं, राजा भैया खुद विधायक हैं और एक और विधायक है, उनको दोनों को कहा गया कि वो पीडीए के पक्ष में वोट करें, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट करें। अभी तक पल्लवी पटेल को हम देख रहे थे, अपना दल कमेरावादी की एकमात्र विधायक है, उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे, लेकिन अब वो भी तैयार है। जिस तरह से लोकसभा में चुनाव में गठबंधन हो गया है कांग्रेस और सपा के बीच, तो पल्लवी पटेल के सुर भी थोड़ा सा नरम पड़े हैं और उन्होंने कहा है कि वोट करेंगी, लेकिन जो पीडीए प्रत्याशी है रामजीलाल सुमन सिर्फ उनके पक्ष में वोट करेंगी। तो समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि विधायकों को जोड़े रखा जाए। बिल्कुल, यानी कि समाजवादी पार्टी ने भी शुरू कर दी है कोशिश कहीं सेंधमारी ना हो जाए। विवेक, आप बने।